नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपहसालार गृह मंत्री अमित शाह की नींदें ज़रूर उड़ा दी होंगी। जिस तरह के नतीजे हरियाणा के एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर वो होता है तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है मोदी शाह के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो धक्का लगा था उसी से वो अभी उभर नहीं पाए थे। उस धक्के की वजह से पार्टी के अंदर और संघ परिवार में दोनों तरफ से उन पर दबाव पड़ गया था। विपक्षी दलों का तो दबाव था ही, तो चौतरफा दबाव वो झेल रहे थे। और अब हरियाणा के चुनाव में जिस तरह की के एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी की वहाँ बहुत ही शर्मनाक हार होने जा रही है। कांग्रेस वहाँ शानदार तरीके से सत्ता में वापस लौट रही है। बीजेपी को, खासतौर पर मोदी शाह को, इस जीत की बहुत बहुत ज़रूरत थी, दरकार थी। वो किसी भी तरह से चाह रहे थे कि ये राज्य अगर जीत लें तो जो एक पराजय का सिलसिला लगातार बनता जाएगा, लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न पाने की वजह से, बहुमत हासिल न कर पाने की वजह से, वो उस पर थोड़ा सा पर्दा गिर जाएगा, थोड़ा सा उस पर मरहम लग जाएगी। लेकिन अब वो होता नहीं दिख रहा है। एक तो हरियाणा का जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि बीजेपी का वहाँ सूपड़ा साफ हो रहा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जिस जोड़ तोड़ के ज़रिए सरकार बनाने की कोशिश में थी या उसकी उसने सोच रखी थी वो भी कामयाब होगी, क्योंकि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन, वो गिरी सी गिरी हालत में भी 45-46 सीट के आसपास पहुंचता दिख रहा है। और कुछ सीटें वो इंडिपेंडेंट वगैरह से, और पीडीपी ने भी ये जाहिर कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ सहयोग करना चाहेगी बीजेपी को रोकने के लिए। तो किसी भी सूरत में अगर पीडीपी की भी 5-7 सीटें आती हैं तो 50 का आंकड़ा ये तीनों मिलकर ही पार कर लेंगे। और इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में भी विपक्ष की सरकार बन जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। और ये एक और सेटबैक इसलिए होगा मोदी शाह के लिए कि धारा 370 हटा के उन्होंने जो कुछ काम किया था, ये एक तरह से उसके खिलाफ जनादेश भी होगा, क्योंकि इतनी सारी तरकीबें तिकड़मे की, न केवल धारा 370 हटाकर बल्कि डिलिमिटेशन के जरिए कंस्टिट्यूंसी की डेमोग्राफी को बदलकर और राज्यपाल के जरिए तमाम तरह के दंड फंद करके उसने ये किसी भी तरह से चुनाव जीतने की या सरकार बनाने की जोड़ तोड़ की थी, उसमें वो कामयाब होती नहीं दिख रही। तो दोहरा झटका है और निश्चित रूप से इससे उनका चैन ख़त्म हो जाएगा। चैन इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि अब आरएसएस का दबाव और उन पर पड़ेगा। आरएसएस अपना अध्यक्ष बनाना चाहता है। अब इस इलेक्शन के बाद उसके हाथ में एक और ताकत आ गई है कि मोदी चुनाव नहीं जितवा सकते हैं। मोदी और शाह मिलकर बीजेपी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अब इस निष्कर्ष पर वो पहुँचते हुए दिखेगी। और इससे भी बड़ी एक बात ये होने जा रही है कि जो कुछ भी एग्जिट पोल कह रहे हैं, अगर 8 अक्टूबर को उन पर मुहर लगती है तो इसका नतीजा जो आने वाले दो राज्यों के चुनाव हैं उन पर पड़ने जा रहा है। इन राज्यों की हार का असर बीजेपी के मनोबल पर पड़ना लाजमी है, और ख़ास तौर पर उस राज्य में जहां पर अभी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पार्टी हारी है, उसका गठबंधन हारा है। मतलब 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन ले गया और बाकी सीटों में इन्हें आपस में बंटवारा करना पड़ा। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक ऐसे वक्त पर ये झटका लग रहा है जो मोदी और शाह की स्थिति को और कमज़ोर करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो महायुति है उसमें भी आपसी झगड़े चल रहे हैं। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो बीजेपी थोड़ा सा कंफर्टेबल है, शिंदे सेना थोड़ा सा कंफर्टेबल उसको भी मान सकते हैं, लेकिन अजीत पवार कहीं नहीं है।
तो ये जो तीनों पार्टियों का गठबंधन बना है वो चुनाव लड़ने के पहले ही हारता दिख रहा है। एक तो महाराष्ट्र में पूरी हवा खराब है, हवा सत्ता विरोधी लहर सी है वहाँ पर, ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और वो कंटिन्यू कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवसेना जो शिंदे की है उस पर गद्दारी का टैग लगा हुआ है, मोदी शाह पर गुजराती होने का टैग लगा हुआ है, देवेंद्र फडणवीस एक खलनायक बन गए हैं क्योंकि वो दिल्ली के एजेंट के तौर पर देखे जाते हैं, बीजेपी का अपना स्थानीय नेतृत्व बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है और मोदी शाह वहाँ वोट नहीं दिला सकते, बल्कि उनके जाने से ये संभावना है कि उनके वोट और कम हो जाएंगे, पार्टी के वोट और कम हो जाएंगे, क्योंकि जो नफरत पैदा हो गई महाराष्ट्र में मोदी शाह को लेकर, जो उन्होंने महाराष्ट्र के बहुत सारे प्रोजेक्ट गुजरात और दूसरे प्रदेशों को दे दिए हैं, उसको लेकर एक गुजरात विरोधी भावना है और गुजराती विरोधी भावनाएं भी हैं, तो ये दोनों फैक्टर काम करेंगे। और बाकी जो जातीय सामाजिक समीकरण हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे निकल चुका है, तो हर तरह से देखा जाए तो वहाँ पर एडवांटेज में है इंडिया गठबंधन, यानी ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता में वापस आ रहा है और बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। ये एक ऐसा दुःस्वप्न है, एक भयानक सपना है जो मोदी जी अगर देखते होंगे तो सोते सोते उठ जाते होंगे, क्योंकि इसके बाद ये एक तरह से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जानी है। उल्टी गिनती 4 जून से ही शुरू हो गई थी लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ेगी महाराष्ट्र के बाद, फिर वो जल्दी जल्दी गिनती गिनी जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत क्रूशियल स्टेट है बीजेपी के लिए और एक हार का जो सिलसिला बन रहा है, लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर और अब महाराष्ट्र में हार, और झारखंड का भी पता नहीं है कि इस हार का इम्पैक्ट झारखंड के चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा। पड़ना लाजमी है क्योंकि जब एक ट्रेंड चल पड़ता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। एक ट्रेंड तो ये है कि मोदी जी की लोकप्रियता धीरे धीरे धराशायी हो रही है, वो वोटरों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, वोट नहीं दिला पा रहे हैं अपनी पार्टी को। दूसरी तरफ पार्टी के पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, कोई ऐसा विज़न नहीं है अब जिसको दिखाकर वो मतदाताओं को लुभा सके, उनको उनके वोट मांग सके। तो हर जगह चूंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है इस सरकार की, वो हर जगह उसके आड़े आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ और सरकार के नेतृत्व मोदी जी के खिलाफ भी एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आकार ले रही है। और ये मानना पड़ेगा कि पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए एक सुपर स्टार प्रचारक होते थे और उनकी वजह से पार्टी को अच्छी खासी तादाद में वोट मिलते थे, अब उसमें भयानक गिरावट आ रही है और ये गिरावट हर राज्य में जहां चुनाव होंगे वहां प्रभावित करेगी। मोदी ने हरियाणा में बहुत चुनाव प्रचार नहीं किया क्योंकि ये संदेश उनको मिल चुका था कि उनके जाने से वोट कम हो रहे हैं। वो जब गए भी उनकी 4 में से 3 रैलियाँ सुपर फ्लॉप हुई हैं, ये हम अपने कार्यक्रमों में बताते रहे हैं, तो वो उनको संदेश मिल गया था कि हरियाणा में उनकी दाल नहीं गल रही है, उनकी दाल महाराष्ट्र में भी नहीं गलेगी और अगर उनकी दाल झारखंड में भी नहीं गलेगी तो फिर क्या होगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि मोदी शाह का संकट इन 2 विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं उनसे एकदम से बढ़ गया। अब इसके बाद मोदी शाह क्या करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनके पास कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो चलाकर वो इस जो तेज़ रफ्तार से उनकी गिरावट हो रही है, एक स्लीपरी उसमें स्लोप में वो बैठे हुए हैं, फिसल पट्टी में फिसलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहा है, उसको रोकने का कोई मंत्र तंत्र यंत्र उनके पास है क्या? क्या वो कोई ऐसी चीज़ ला सकते हैं जो हवा बदल दे? ऐसी संभावना अब ख़त्म हो गई क्योंकि अगर कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करेंगे मोदी जी तो अब उल्टा पड़ेगा क्योंकि लोगों को उनसे मोह भंग हो चुका है। मोह भंग बड़ी तेज़ी से हो रहा है,
अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, वो तो उनकी तो निष्ठा उनके चरण पादुका से जुड़ी हुई है, लेकिन जो सोचने समझने वाले मतदाता हैं वो मान चुके हैं कि अब मोदी जी के किए करे कुछ नहीं होने वाला है। उनको बहुत वक्त दे दिया गया, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए हैं और उनको जाना चाहिए। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, एक नाकारा सरकार, एक झूठी सरकार जिसने वादे तो बहुत किए निभाए नहीं, ये जो टोटल बन रहा है ये अब मोदी शाह के लिए एक तरह से कहना चाहिए कि उनका गले का फंदा बन जा रहा है। और आरएसएस इसको बखूबी समझ रहा है, भागवत जी समझ रहे हैं, और इसीलिए वो अब मोदी जी से पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिंड अभी नहीं छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो उनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, नकेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दो राज्य और हारते हैं, और फरवरी में फिर दिल्ली भी है, ये हाथ से निकलते हैं तो फिर आरएसएस का जो धैर्य है वो जवाब दे जाएगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब दे जाएगा, और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का भी धैर्य जवाब दे जाएगा। तब एक बगावत, एक विरोध पार्टी के संघ परिवार के अंदर से खड़ा हो जाएगा, मुखर हो जाएगा, और तब फिर मोदी जी के लिए बहुत कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि उनको इतनी छूट दे दी जाए कि आप अपने 75वें वर्ष को पूरा करके फिर विदा लें। इतनी भी छूट दे सकती है पार्टी संघ, ये देखने की बात होगी, लेकिन नौबत वहाँ तक आती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।